दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं 10 और अब मैं आई हूँ नीचे दादी वगैरह के घर, क्योंकि आज मतलब अब शादी के लिए बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। बहुत थोड़े कम दिन रह गए हैं। तो उसके तो अभी जो जैसे आज थोड़ा सा काम है यहाँ पर, तो सारे हमारे फैमिली मेम्बर जितने भी है, दादी वगैरह सब लोग आएंगे आज। और आज पता क्या काम करेंगे, आज चावल वगैरह जैसे जो भी शादी में खाना वगैरह बनेंगे, दालें वगैरह जो भी चीज़ है उनमें से, मतलब जो थोड़ी सी इसमें डर रहता है कंकर पत्थर वगैरह का, वो छांटेंगे आज, चावल छांटेंगे, दालें वगैरह छांटेंगे। तो अब सभी लोग आएंगे तो मैं आज पहले ही नीचे आ गई कुछ दुख लेकर। मैं कहा तब तक थोड़ा सा मैं जल्दी चलाती हूँ, मम्मी भी आने हैं, मम्मी अभी अपना काम कर रहे थे तो मैं पहले ही आ गई, क्योंकि खिदू के साथ फिर ऐसा रहता है भाई। पहले मैं अभी यही सोच रही थी ना कि पहले मैं कैसे एक टांग पर नाची होती थी, ऊपर नीचे, मेरा घर यहीं पीछे हुआ है, ऊपर नीचे सारे में नाची होती थी। और अब मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को भी सोचना पड़ता है, मतलब तो फिलहाल तो अभी किचन में है सिर्फ छोटी दादी बेचारे, किचन का दारोमदार हमेशा छोटी दादी के कंधों पर होता है, दादी नहीं संभाला। तो अभी दादी बना रही है चाय और मैं चलती हूँ थोड़ी देर नीचे। वैसे तो अभी कोई नहीं आया, मतलब हम लोग ही है, आंटी वगैरह नीचे बर्तन व कपड़े वगैरह धो रहे। हेलो दादी, नमस्ते। ठीक ठाक है? बढ़िया। ठीक चेव भी ठीक। सोई है अभी तो फिलहाल? डोले तो उधर आगे आंटी और भाभी लगे बर्तन वगैरह धोने और यहाँ पे दादी वगैरह पहुँच चुके हैं। अभी सिर्फ थोड़े लोग आए हैं, एक सब इसके ड्रामे देख रहे हैं। अभी देखो फूल पत्ते तोड़े हुए। तो अभी नीचे सब लोग आ चुके हैं और अंदर से चावल वगैरह निकाल रहे हैं बाहर। अब यहाँ पे बाहर बैठ के छांटेंगे ये सारे इसमें चावल वगैरह। और वैसे तो इसमें कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी छांटने का थोड़ा बहुत सा रहता है, क्योंकि शादी के टाइम शादी मतलब उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनता है, तब थोड़ी ना छांटते रहेंगे। वैसे ये एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं है, बट फिर भी मैं क्यों लगी हूँ एक्सप्लेन करने। ये देखो आंटी वगैरह सब लोग आ गया। बस मेरी मम्मी नहीं आई, क्योंकि हमारे पीछे गेस्ट आ गया, तो मम्मी थोड़ी देर बाद आएंगे। तो तो सब लोग लगे हैं नीचे काम करने में। यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि क्रेदू अंदर सोई है, तो रोएगी तो मेरे को जाना पड़ेगा। इन सब के चावल हो गए खत्म, अब लगे हैं ये दाल छांटने। काले चने इधर, कुछ हमारी दादियाँ आंटियाँ, डब्बे डुब्बे की चली है अपनी ही गेम। उन्हें पहचानती है क्रेदू तेरे को? क्या बोलती है? के बाल ही काट दे रहे हमने थोड़े ऐसे। यार ये लड़की अपने बाल ना काटने के पीछे इतनी वगैरह, अपने बालों में हाथ भी लगा देती। बाकी सब लोग इधर बैठे दादी वगैरह कर रहे हैं, वो आज जाएगी यहाँ से। क्या बोलते दादी, आज बरनी दुल्हन को बरनी लगेगी आज उसके, उसमें यहाँ से गुड़ वगैरह सुहाग चूड़ा वगैरह जो भी कुछ होता है वो जाएगा, तो उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं दादी और आंटी। अब यहाँ बारी बारी सभी कि तू अपनी गोदी में उठाए जा रहे हैं। गोले को इतनी जिद लग रही है, गोले को बहुत जलन हो रही है। चूहे तो भी हम लोग खा रहे हैं बिस्किट। बिस्किट भी कौन सा, ये देख, क्योंकि आजकल हमारे गर्मी वाले बिस्किट बहुत सारे चीज़ क्रैकर, तो ये यहाँ पे रखा हुआ था, पता है किसका था किसका नहीं, किसने दिया ये भी नहीं पता, बट हमने खा लिया। मम्मी लेके झाड़ पोछ करने चीज़ क्रैकर।
मजा आ रहा है पर इसको खाने में। एक हेलो गोले, हेलो, कहाँ हो? क्या कर रहे हो? मैं जामा ला रही हूँ। ये इसका जामा है, पजामा। क्या नाम है आपका? हाँ तो मुन्नू, मैंने अभी भी वॉइस ओवर करी थी वीडियो में, उसको उसने वॉइस ओवर करते करते हमारे को लग गया आधा घंटा, मतलब वॉइस ओवर करने में इतनी ज़्यादा नहीं। वो कुछ लोग ऐसे मतलब ऐसे शॉर्ट्स होते हैं सामने बोल के ही बनाते हैं, मेरे से वैसे सामने बोल के भी नहीं बनते हैं, वॉइस ओवर करने में को काफ़ी वक्त लग जाता है, तो फिर मैं बहुत ऐसे ही हूँ। क्या लखली इसकी दुखी स्वेटर है? आपकी भी क्या जा रहे? रेंदू रेंदू कल लगानी, वो कल जाना हमने ऊपर घूमने। अच्छा चल चल पड़ी हो, मेरे को दिखानी है स्वेटर। ये तो अच्छे अच्छे गोल इस दूसरी कोई भी चीज ना, सॉक्स वगैरह। मैं 5 रुपये घर अपने घर दौड़ के मैं अपनी सॉक्स ले लेता रहेगा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो करूँगी मैं, क्यों वीडियो चल पड़े फिर से घूमने। अब ये डेली मतलब शाम शाम को हम लोग जाते हैं वॉक करने, फिर हमारा पता क्या है वहाँ ना एक जगह से बहुत ज़्यादा स्लोप है, तो हम वहाँ से भाग भाग के आते हैं, वहाँ से भाग भाग के हम घर तक पहुँचते हैं। और जो रात मेरी हालत पता कैसी रहती है एकदम इसकी कभी सांस फूलती नहीं है। मुन्नू अभी हम उजी ने ऐसा बोला कि भाई हम दो की हालत खराब है, तेरी सांस नहीं फूलती। मुन्नू बोलती हाँ मेरी सांस नहीं फूलती, और जी बोलते तेरी फूलेगी कैसे, तू तो हड्डी है। देखिए लड़की का शरीर कितनी पतली है ये। चलो वीडियो भी बनाएंगे हम दौड़ते हुए, यार मैं तो ऐसे भैंस की तरह दौड़ती हूं भाई, मैं इतना तेज दौड़ता हूं। ये मुन यहां कल हम यहां से मतलब यहां से भाग भाग के भाग भाग के भाग भाग के घर तक पहुंचे, इसे उठना मेरे को पता नहीं कैसे लगी, और ये पता कैसे ऐसे खड़ी हुई बॉस की तरह, जिसको जरा से भी वो नहीं था। खाने लगे खजूर, ओजल को याद आ गई वो वाली कहावत की आसमान से गिरे खजूर पेट के, मतलब मेरे को समझ नहीं आता इसका क्या मीनिंग होएगा, कहाँ पे यूज करनी है ये कहावत। मैं तो गिर नहीं आता, गिर गया पे तो फिर खजूर का क्या लेना है इसमें? पता नहीं गाइस कमेंट करके बताओ, किसी को बताओ। आसमान से निकले खजूर यहाँ ऐसे दौड़ देने ब्रेक ही नहीं लगती नीचे तक। पॉपट हो चुका है क्या भाई? मैं आगे नहीं बन रही थी। हम पता क्या वहाँ पर ऐसे आ रहे थे ना चलते हुए हम तीनों, मतलब हमारे एकदम से मैगी की खुशबू आई कि कहीं मैगी बन रही है। हम तीनों ऐसे चलते कि किसके घर में मैगी बन रही है, किसके घर में मैगी बन रही है, पीछे के आगे के, फिर वो मैगी बन रही थी इसके घर में, इसके किचन के बाहर जब पहुंचे और जो बोलता दादी क्या बना रहे, दादी बोलती आलू की सब्जी बना रही, बोलते मैगी खुशबू आ रही, बोलते मैंने मैगी मसाला डाला आलू की सब्जी है, और हम तीनों घर में बैठ गए कि कहीं तो मैगी बन रही होगी, कहीं तो मैगी बन रही होगी, बट वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैगी मसाला डल रहा है, बट हमारा फिर लालच मनमाना नहीं। उन्होंने कहा फोन लगाया मैंने तीन करोड़ तक गया, 100 तक आती है। दोस्तों आज हमारे घर में है एक स्पेशल गेस्ट, वो है मुनमुन दत्ता। काजल देखो ला, काजल मैडम का तो मम्मी अभी सोना पापड़ी, सोने की पापड़ी।